नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फास्ट न्यूज। फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल के लीडर विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर लगाए गए झूठे आरोप को लेकर लुधियाना यूथ अकाली दल और श्रोमणी अकाली दल की ओर से लुधियाना के डीसी साहब को एक मांग पत्र सौंपा गया। लुधियाना से रवि क्राइम पत्रकार की रिपोर्ट। यूथ अकाली दल की अगुवाई श्रोमणी अकाली दल एससी विंग बीसी विंग सारे रल के सरदार विक्रम सिंह मजीठिया साहब जिन्होंने अज पंजाब के लोग चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही पंजाब के जख्मों के उत्ते नमक छिड़कने की कोशिश की है, पंजाब के लोगों के जख्मों पर राजनीति करने की कोशिश की है। पर मैं समझता विक्रम सिंह मजीठिया जिते पंजाब के लोग चाहते हैं अज जिहड़ा हजूम है हजारों की गिनती के गवर्नर साहब नूं मंग पत्र देण आया डीसी साहब राही कि जिहड़ा झूठा परचा रद्द किया जाए, जिहड़े पंजाब के हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, जिहड़े पुलिस का मोरल डिगे जा रहा नवजोत सिंह सिद्धू वर्गियां वल्लों, यह लोग पंजाब तो बाहर किए जाते झूठे परचे रद्द किए जा भोली भाली जनता को वोटा की राजनीति दे ना धूलिया जाए, पंजाब च बदले की नहीं बदलाव की राजनीति। पंजाब के लोगों को चंगी तरह इस गल का पता वा विक्रम सिंह मजीठिया एक लोगों के दिलों के अंदर जिन्हों का सत्कार आ लोगों के दिलों के अंदर एक स्टार साढ़े श्रोमणी अकाली दल के यूथ अकाली दल के स्टार प्रचारक ने पौने पांच साल जड़े ने मौजूदा सरकार जी है चन्नी सरकार विशेष तौर पर कांग्रेस की सरकार और दूजे शब्दों मैं कह नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा अपने आप को कहता मैं सुपर चीफ मिनिस्टर हाँ क्योंकि उन्हें तो क्लीयर करता ए जी बदलवा के डी जी लवा के इस दे बावजूद भी मैं क्लीयर थोड़े माध्यम तो करना चाहना भी किसी के खिलाफ एफ आई आर करन दे नाल वो आदमी दागी नहीं होया करता। एफ आई आर दे नाल तां पंजाब दे लोगों को यह गल क्लीयर हो गई कि मौजूदा सरकार जिहड़ी कांग्रेस की सरकार है ये जान बुझ के पोलीटिकली अक्ष खराब करने वास्ते विक्रम सिंह मजीठिया जी ते परचा दिता वा और सानू माणयोग हाई कोर्ट ते इस गल का पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट पूरा जस्टिस जिहड़ा वा वो करनगे। और अज बहुत वड्डी तादाद च यूथ अकाली दल श्रोमणी अकाली दल के तमाम जो कार्यकर्ता सी डीसी साहब नूं मेमोरेंडम देने लिए आए सी उन्होंने मार्फत असी गवर्नर साहब नूं मंग पत्र देने लिए आए हैं कि जिहड़ा क्योंकि पंजाब के गवर्नर ने और जदों भी पंजाब विच कोई पोलीटिकली धक्का हुंदा वा तां गवर्नर साहब का फर्ज बनता वा कि उसनू लोगों को जस्टिस दे। तो मैं उम्मीद करता कि गवर्नर साहब ये इंटरफेरेंस करके पंजाब की जी मौजूदा सरकार जी लोगों का धक्का कर रही है।